हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 11वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर हुआ था, तो इसके प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन पेपर में सही किए थे और गलत किए थे। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दिया है फर्स्ट है कि बल का विमीय सूत्र लिखना था, तो इसका गा नंबर का आंसर सही है, ML T-2 इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड है, यदि किसी पिंड वेग बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा है जो 16 गुनी हो जाएगी। इसके बाद दिया है जड़त आघूर्ण का SI मात्रक है, तो जड़त आघूर्ण का SI मात्रक का नंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद दिया है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने में ताप होगा, इसका गा आंसर सही होगा, इसका 272 के। इसके बाद दोलन में अवमंदन बल भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका वेग है जो सही आंसर होगा। इसके बाद हमारे प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं। तो फर्स्ट खाली स्थान है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10^5 की घात रायन होता है, तो यहाँ पर 10^5 की घात हो जाएगा। इसके बाद दिया है घूर्णन गति में बल आघूर्ण बराबर बल गुणित क्या होगा, इसमें इसमें होगा आघूर्ण भुजा, इसमें आघूर्ण भुजा सही आंसर होगा। इसके बाद दिया है एक परमाणु गैस की स्वतंत्र की कोटि F बराबर 3 होती है, तो इसका 3 आंसर सही होगा। इसके बाद दिया है जी गलत छप गया है इसमें, इसमें लिख दिया है हमने संधि खाली स्थान भेद होते हैं, तो ये गलत क्वेश्चन है। इसमें लिखना था उनको गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसमें 9.8 है, इसका सही आंसर होता है, लेकिन इसमें इसमें आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सर्वाधिक गैस नेतांक का SI मात्रा खाली स्थान है, तो इसका होगा जूल गुणित मोल प्रति केल्विन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी पूछी गई है, तो इसमें दिया है फर्स्ट शक्ति, तो शक्ति इसका आंसर होगा, तो इसका फोर्थ आंसर है जो ये वाला सही होगा, इसका पहले का आंसर होगा ये। इसके बाद दूसरा दिया है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो इसका ये फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। इसके बाद थर्ड दिया है व्यास के परितः चक्ती का जड़त्व आघूर्ण, तो इसका 5वां ही सही होगा। इसके बाद दिया है माध्य मुक्त पथ, तो इसका आंसर है जो ये वाला सही आंसर होगा, इसका फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ सही जोड़ी है क्षैतिज परास, तो इसका आंसर है तीसरा वाला, इसका सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, तो इसमें दिया है फर्स्ट है जो आ नंबर का, इसमें दिया है कि लंबाई के मात्रक फर्मी एवं मीटर के बीच संबंध लिखो, तो इसमें एक संबंध लिखना था, तो ये संबंध है 1 फर्मी बराबर 10^5 की घात मीटर होगा। इसके बाद सेकंडरी दिया है बल के आवेग का विमीय सूत्र लिखिए, तो बल के आवेग का विमीय सूत्र लिखना था, ये होता है ML T-1, ML T-1 बस इनका सही आंसर होगा, ML T-1। इसके बाद दिया है स्प्रिंग के बल नेतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है इसका, तो इसका मात्रक जूल होगा और विमीय सूत्र होगा इसका ML2T-2, तो ये रहा मात्रक जूल और विमीय सूत्र ML2T-2। इसके बाद दिया है प्रत्यास्थता गुणांक बाई के एवं एन में संबंध लिखिए, तो इसमें एक संबंध है 3/बाई बराबर 1/3 के प्लस 1/ईटा, ये ईटा का निशान है। इसके बाद दिया है सदिश गुणन का सूत्र लिखिए, तो सदिश गुणन का सूत्र होता है ए क्रॉस बी, ये इसमें ये संबंध है जो 3/3 बराबर 1/3 के प्लस 1/ईटा है। तो ये रहे हमारे 20 मोस्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कौन सही और कौन गलत किए हैं। इसके बाद यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।